केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कृषि बिल पर बोले कि अभूतपूर्व बदलाव लाने वाले हैं। इससे पहले यूपीए ने भी कृषि बिल लाने की कोशिश की थी, यूपीए कुछ लोगों के दबाव में कृषि बिल नहीं ला पाई। पीएम मोदी के संकल्प से कृषि बिल ला पाए, कांग्रेस का विरोध अप्रासंगिक है। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। नहीं, देखिए, दरअसल कांग्रेस चुनाव लड़ रही है तो कोई भी आए इससे क्या फर्क पड़ता है। प्रियंका गांधी आए, राहुल गांधी आए, ये तो उत्तर प्रदेश में भी चुनाव कर रहे थे, पिछले बार लोकसभा में भी चुनाव प्रचार कर रहे थे, तो क्या हुआ? तो जो पहले हुआ वही हर इस बार होगा। देखिए, दरअसल कांग्रेस के पास मूल रूप से अब आधार खत्म होता जा रहा है। इस चुनाव में भी जो परिस्थिति बनी कि उनके पास लड़ाने के लिए कैंडिडेट नहीं थे, इससे कांग्रेस की जो दिवालिया हालत है उसका अंदाज ठीक प्रकार से लगाया जा सकता है। बयान के आधार पर अगर चुनाव जीतते, नारे के आधार पर चुनाव जीतते, तो कांग्रेस कभी अटती नहीं, क्योंकि कांग्रेस तो नारे गढ़ने में हमेशा से माहिर रही है। इंदिरा जी के जमाने से देखें तो कांग्रेस की इस मामले में महारत रही है। लेकिन कांग्रेस देश भर में भी अप्रासंगिक हो रही है और मध्य प्रदेश में भी पूरी तरह अप्रासंगिक हो जाएगी आने वाली। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मजबूत है, क्योंकि मतदाताओं ने इनका 15 महीने का शासनकाल देखा है और 15 महीने में जनता हया तोबा करने लगी थी। कांग्रेस ने वादा खिलाफी की, कमलनाथ जी ने वादा खिलाफी की, लेकिन भ्रष्टाचार भी चरम पर था, प्रदेश में अराजक स्थितियां पैदा हो गई थी, सब जगह श्यामला हिल से लेकर और नीचे तक जो है लूट मार की स्थिति पैदा हो गई थी। और जनता ये जानती है कि भारतीय जनता पार्टी और विकास ये एक दूसरे के पर्याय हैं, और इसलिए जनता का आशीर्वाद इस बार चुनाव में हमें मिलेगा और सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजय प्राप्त करेगी। देखिए, लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है। जो व्यक्ति, जो नेता, जो जनप्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होगा, जनता उसे स्वीकार भी करती है और जनता उसे ताकत भी देती है। शिवराज सिंह चौहान जनता के प्रति जवाबदेह नेता हैं और वो हमेशा इस बात को कहते रहे हैं कि जनता उनकी भगवान है और शिवराज सिंह चौहान जनता का पुजारी है। तो ये शिवराज जी के लिए नई बात नहीं है, वो जनता के सामने हमेशा ही नतमस्तक रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के लोगों को, जैसा मैंने पूर्व में कहा कि उनके पास कोई मटेरियल ही नहीं है, वो ये कहने की स्थिति में नहीं है कि यूपीए की सरकार केंद्र में थी तो क्या किया, दिग्विजय सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तो मध्य प्रदेश का क्या किया, कमलनाथ मुख्यमंत्री थे तो मध्य प्रदेश का क्या किया। अंदर अगर माल नहीं है तो फिर बेमाल से ही काम चलाना पड़ेगा ना, वो हालत कांग्रेस की हो रही है। सर, इस उपचुनाव में रहा खुदा टिकाऊ टिकाऊ सिर्फ इन्हीं शब्दों के साथ है। सर, सबसे बड़ी बात मर्यादाएं तोड़ने वाले बयान निकलकर सामने आए। देखिए, जब दिमाग में कुछ मटेरियल नहीं होता तो फिर इस प्रकार की अनसेंट बयानबाजी होती है। अभी किसी कांग्रेस के नेता ने कहा कि शिवराज सिंह जी भूखे नंगे कर गए, तो इस देश में गरीब होना क्या अभिशाप है? और कमलनाथ जी बड़े घर के हैं तो उन्होंने मध्य प्रदेश के लिए क्या कर दिया? शिवराज सिंह चौहान अगर गरीब घर में पैदा हुए, सरकारी स्कूल में पढ़े और उन्होंने अपने परिश्रम से मुकाम प्राप्त किया, इसीलिए तो मध्य प्रदेश उनके 13 साल के शासनकाल में आगे बढ़ा, इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर बना, इसीलिए मध्य प्रदेश की ग्रोथ हुई, इसीलिए मध्य प्रदेश की एग्रीकल्चर ग्रोथ देश में सबसे ज़्यादा हुई। तो शिवराज सिंह जी का मूल्यांकन काम के आधार पर होगा या कांग्रेस के नेताओं के बयानबाजी के आधार पर होगा? और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कांग्रेस के लोगों को कि उनको ओछी बयानबाजी से बाज आना चाहिए, नहीं कांग्रेस का बचा खुचा जो आधार है वो भी इस चुनाव में समाप्त हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।